वो मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी का उस पर आशीर्वाद है। सारे क्रिमिनलों पे बाबा योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि योगी जी खुद उसी मानसिकता के हैं। वो इस्तीफा नहीं देगा, ये जब तक किसान मांग नहीं करेगा मजबूती से खड़े होकर बॉर्डरों पर, वो इस्तीफा बाबा योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में रहेगा। पहले किसने इस्तीफा दिया? इतने क्रिमिनल बैठे हैं, इतनों ने दंगा करवाया, इन्होंने मुकदमा कायम है, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और ना ही इन्होंने किसी को बर्खास्त किया। देखो मीडिया वालों की अगर आप बात करते हो तो शाहरुख खान का लड़का पकड़ा जाता है और मीडिया सिर्फ किसानों के आंदोलन को छुपाने के लिए, किसानों का आंदोलन न दिखाने के लिए शाहरुख खान के लड़के पर मीडिया फोकस करती है। इतने कंटेनर पकड़े जाते हैं ड्रग्स के, उन पर चर्चा नहीं होती है। तो मीडिया देश के खिलाफ जा रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है, सिर्फ सत्ता के चाटुकारिता कर रही है। मीडिया की बात मत करो, मीडिया के लोग उस पर प्रेशर दे रहे हैं उसे बदनाम करने के लिए, उस पर अपने हिसाब से बयान दिलवाना चाहते हैं। लेकिन हम सलाम करते हैं उस पत्रकार के परिवार को कि जो आज भी अपने किसानों के साथ और अपनी बात पर कायम डटा हुआ है, उसे गाड़ी से रौंदा गया और फिर उसके गोली मारी गई और उसे गोली भी ये सरकार नहीं वो होने दे रही है साबित, उसको गोली मारी गई, गोली से मारा गया है, ये पक्का साबित हो चुका है, इसलिए इन पर 302 की धारा लगी। बाबा ने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के नहीं बनाया, वो दलाल था, वो स्मगलर था वहां का, 8 मुकदमे उस पर पहले से चल रहे हैं, न जाने कितने मर्डर कर रखे हैं उसने, उसकी हिस्ट्री तो निकालते उस हिसाब से उसे मंत्री बनाते, वो वहां का बहुत बड़ा माफिया है इसलिए उसे मंत्री बनाया। और ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ऊपर गाड़ी चलवाई है, उसका ट्रक रिकॉर्ड भी वही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है, किसानों की आवाज दबाना चाहती है, संविधान को मारना चाहती है, राष्ट्र को मारना चाहती है। देखो मोदी जी को मैं कुछ कह के अब ज्यादा गंदा नहीं करना चाहता अपना मुंह, मोदी जी को और योगी जी को देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है, ये लोग सिर्फ अडानी अंबानी को सत्ता देके, अडानी अम्बानी को देश बेच के और ये निकलना चाहते हैं। अभी आप मेरी बात नहीं मानोगे, आपको गलत लग रही होगी, लेकिन आने वाला समय यही है। मोदी जी जो अपने आप को कहते थे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमें मोदी जी पर भरोसा नहीं है कि इनके बच्चे नहीं हैं, मोदी जी के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है नहीं, इस तरीके से मोदी जो देश को लुटवा रहे हैं खड़े होकर और उसमें पूरा का पूरा देश अडानी अम्बानी को दिया जा रहा है, इसमें हमें शक है, मोदी जी का पूरा हाथ है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पे किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है, बाबा योगी आदित्यनाथ के मंत्री जो गाड़ियां चला रहे हैं किसानों पे, पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, और उन मंत्री के बेटों को जो जनरल डायर बन गए हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, क्या ये मंत्री का बेटा है और मंत्री है उस पर उसकी घर पर बिल्डोजर चलेगा या नहीं चलेगा? जो किसानों को जिस तरीके से कुचल रहा है, आज आपने सबोध जो मारा गया था उसको पदोन्नति दे दी, उसको अपनी पार्टी में सत्ता में उसके शिखर पर बिठाने की कोशिश की, आपने जो कुल उसके वहाँ चलाया था बिल्डोजर ब्राह्मण के घर पे, ब्राह्मण को आपने विकास दुबे के घर पे, ये जो आया है इसने भी 8 किसानों की मौत में दे दिया है, इसके घर पे भी क्या बिल्डोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? या भारतीय जनता पार्टी हमेशा आतंकवादियों को जैसे देवेंद्र को दे दिया और पुलवामा के अटैक की आज दिन तक जानकारी नहीं दी देश को, इसी तरीके से आतंकवादियों को क्रिमिनलों को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती रहेगी सत्ता में बैठ के? सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, किसानों को मरवा रही है, किसान 10 महीने से आंदोलन पर बैठा है, किसान सिर्फ अपना संवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार तक बात पहुंचाना चाहता था और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो किसानों की गुस्सा थी उसे अपना बयान करना चाहता था, लेकिन ये लोग किसानों के पीछे पड़े और इनका बिल्डोजर सिर्फ निर्दोष लोगों पे और देश के जाति बिरादरी के हिसाब से चलता है। 3 महीने के बाद चुनाव है, इनकी गाड़ियां वो बिल्डोजर खड़े हैं, उनमें तेल खत्म हो गया है, दूसरे सरकारें आएंगी वो तेल डलवा के और उन्हीं लोगों के ऊपर बिल्डोजर चलाएंगी, क्योंकि ये जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने गिफ्ट में लोगों को दिया है ये बरकरार रहेगा, ये योगी आदित्यनाथ जी जो दे के जा रहे हैं वो बरकरार रहेगा, उसे खत्म नहीं करने वाला। किसानों के हाथ में कोई तलवार नहीं थी,
किसानों के हाथ में डंडा और झंडा रहता है, ये सब सिर्फ मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का प्रोपगंडा रहता है। गाड़ी वो छोड़ के चला गया, गाड़ी पलट गई है, चलती गाड़ी में से कूदा है, ये वीडियो आ गया है, चलती गाड़ी में से कूदा है वो। योगी आदित्यनाथ जी की मानसिकता देश विरोधी है, उत्तर प्रदेश विरोधी है, ये 2022 आ रहा है, सारा इन्हें बदला लिया जाएगा इनसे वोट के माध्यम से। अमित शाह का अगर रिकॉर्ड निकालोगे, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी मुलाकात करेगा अमित शाह, उसे संरक्षण देगा, इस्तीफा हो जाना चाहिए था, अब मुझे लगता है कि उसका इस्तीफा भी नहीं होगा। खबरें ऐसी देखते रहो, किसानों का कोई राजीनामा नहीं हुआ। अगर सरकार से जो किसान मांग कर रहे थे कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, एक नौकरी दी जाए, वो हुआ है। कोई राजीनामा का मतलब ये नहीं है कि उसके दूध का धुल गया है, वो क्रिमिनल नहीं रहा, उसने गाड़ी चलाई, FIR दर्ज हुई और हमारा पूरा संयुक्त मोर्चा डटा हुआ है इस बात पर कि उसे सजा होनी चाहिए, उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसे जेल होनी चाहिए। कोई समझौता नहीं है। मीडिया तो पहले दिन से बता रही है, मीडिया की बात मत करो मेरे भाई, लोगों ने टीवी देखना बंद कर दी, हमने उस मीडिया का बहिष्कार कर दिया है, उस मीडिया को हम देखना नहीं चाहते, वो मीडिया आंदोलन में नहीं आती, वो दलाल मीडिया जो बैठी है उस मीडिया की आप बात मत करो, वो लोकतांत्रिक मीडिया नहीं है, वो चाटुकार मीडिया है, वो पैसे लेके मीडिया चलती है, वो मोदी और योगी की और अमित शाह की दलाली करती है, उस मीडिया का भरोसा नहीं, हम आप लोगों का भरोसा करते हैं, ये राष्ट्र आप लोगों के भरोसे चल रहा है। उस अखबार का इतिहास निकाल लो तुम, वो अखबार सत्ता का गुलाम है, वो अखबार संविधान का गुलाम नहीं है, वो अखबार लोकतंत्र का नहीं है, वो सत्ता के हिसाब से चलता है, और जब से ये सरकार बनी है इनकी पूरी पूरी चाटुकारिता कर रहा है, वो हमेशा असंवैधानिक खबरें निकालता है, देश की और देश की जनता की बात नहीं करता कभी भी। कुछ किसान गांव में भी प्रीतिया जला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं गांव में, पूरे देश में अभी टिकैत साहब आ जाएंगे, पूरे देश में ऐलान होगा कि किसान पूरे देश में प्रीतिया जलाएगा उसकी, क्योंकि उस पेपर के अखबार के खिलाफ किसानों में आक्रोश है, क्योंकि किसान को उपद्रव भी बताया उसने, किसान को वो हर चीज समय समय पे बताता रहा जो उसे नहीं बताना चाहिए, किसानों के बीच में आके कभी किसानों से अपना पक्ष नहीं पूछा, वो सिर्फ सरकार का पक्ष रखता है, वो सरकार की दलाली करता है, वो सरकार का काम करता है, वो लोकतंत्र का काम नहीं करता है। किसानों के अलावा जो लोग मरे वो उन्हीं के लोगों ने मारे, किसान ने किसी का कोई हत्या नहीं की, किसान सिर्फ वहां अपने बचने की स्थिति में था, अपने लोगों को हॉस्पिटल ले जाने की स्थिति में था, अपने लोगों को बचाने की स्थिति में था, आपने जो कंडीशन वहां की देखी है, किसान ने किसी को नहीं मारा, जो उनकी जो 6 गाड़ियां थी और 3 गाड़ियों में कुचले गए लोग, 3 गाड़ियों से वो गाड़ियां कहां थी, वो लोग कहां हैं, वो कौन लोग थे, उनकी सबकी जांच होने, क्या जो लठ बजा जो वीडियो आ रहे हैं जो मारे गए वो लठ बजाने वाले आरएसएस के लोग तो नहीं थे, जो लोग मार रहे थे वो आरएसएस के लोग नहीं थे, ये कोई गारंटी नहीं है। जब जांच होगी पूरा, इस सरकार पर भी भरोसा नहीं, उस पर कमेटी बननी चाहिए, वो संयुक्त मोर्चा है वहाँ, किस किस को मुआवजा दिया गया है, किसको क्या, अभी एक बार बताओ तुम, आतंकवादियों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हो, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश में सत्यानाश कर रहे हैं, किसानों पे हमला कर रहे हैं, अगर उनको आप मुआवजा चाहते हो तो मांग आप करो, मैं तो नहीं कर सकता। उस बड़ुए दलाल को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसान एक तरफा बात करते तो 10 महीने से किसान बॉर्डरों पर नहीं बैठे होते, तो किसान दिल्ली के अंदर होते, आज कब्जा सदन में होता, ये किसान एक तरफ की बात नहीं करता, लोकतंत्र की बात करता है, और 10 महीने से सरकार से अपने आवेदन कर रहा है कि हमसे बातचीत करो, किस दरवाजे पे आना है, किस जगह आना है, किस ऑफिस में आना है, कौन बात करेगा, सरकार किसान ये पहले दिन से नाम पूछ रहा है, किसान कभी एक तरफा बात नहीं करता, अगर कोई सरकार का कोई मंत्री कोई कुत्ता भी अगर सरकार का ये कहता है कि मैं किसानों से बात करने को तैयार हूं, तो हमारा संयुक्त मोर्चा आंखें खोल के और ये देखता है, हो सकता है इनका कोई सही बोल रहा हो, तो हमारे संयुक्त मोर्चा और किसान राष्ट्र और संविधान का सबसे पहले सम्मान करते हैं, सरकार जो है लोग गलत हमने चुन दी, सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो गलत रास्ते से आ गए, झूठ बोल के आ गए, इन पे भरोसा देश को अब बिल्कुल नहीं है। हमारी रोटियों का भी पैसे ऐसे ही बढ़ेंगे, अगर ये किसान सही टाइम से नहीं बैठ जाता तो हमारे जो रोटी है जो हमारा अनाज है वो गोदाम में बंद होता और इनके भी रोज रेट बढ़ते, ऐसे ही रेट बढ़ेंगे, जिसे देश को जो करना है कर
कर ले, हमें सिर्फ वोट का सहारा है। 2022 आ रहा है, 2024 आ रहा है, वही एक हमारे लिए रास्ता है, क्योंकि हम दंगा नहीं कर सकते, हम झगड़ा नहीं कर सकते, हम कोई और रास्ता नहीं अपना सकते। ये मेरे ऊपर गाड़ियां चढ़ाएं, हम अपना जो हमारी भाषा जो हम बोल सकते हैं आपके माध्यम से वो हम बोल सकते हैं। हम अपने देश को जलाना नहीं चाहते, अपने संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहते, इसलिए हम आंदोलनों पर बैठे, हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और 2022 और 2024 में वोट के माध्यम से इन्हें हटाना चाहते हैं। आज मुझे बाबा की याद आ रही है, जो बाबा ने देश को एक सूत्र में सारे किसानों को बांधा था, आज उन बाबा को हम अपने दिल से नमन करते हैं, आत्मा से नमन करते हैं, और पूरा मैं निवेदन करता हूं, बाबा जहां भी होंगे, देश को देख रहे होंगे, तो उनको दर्द जरूर हो रहा होगा, क्योंकि आज देश गलत हाथों में है। जिसके संघर्ष के लिए चौधरी चरण सिंह और बाबा और नेताजी मुलायम सिंह यादव लड़ाई लड़ते रहे, वो आज संघर्ष उनका विफल हो रहा है, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा देश में दुखी है। वो ये कहते रहे कि ये किसान गांव देश की जो विकास की रास्ता है वो गांव से है, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर विकास का रास्ता ढूंढा तो अडानी और अंबानी के घर से ढूंढा है। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे किसानों के क्रांतिकारी लोग थे, उन वो मन से दुखी होंगे, लेकिन मैं अपने दिल से उनको सिद्धा सुमन अर्पण करता हूं और उनको नमन करता हूं। भगवान जहां भी हों वो खुश रहें, पर हम लोगों को शक्ति देते रहें कि जो हम इन जालिमों से लड़ते रहें।